क्यों कर रहा है? पर मस्ती कर रहा है हाईवे पे? हाईवे पे मस्ती कर रहा है क्या? हाँ रुका, इधर साइड में रुका। हाईवे पे मस्त नाम बोल दो यार। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आओ बिल्कुल बिल्कुल भाई। 20 रुपए के सीताफल खरीद लिए है ना? 20 रुपए के अजी, 20 रुपए के सीताफल खरीद लिए हमने, है कि नहीं? और जाम जाम भी खिला देने भाई। सीताफल का देखो कितना अच्छा दिख रहा है रखा हुआ। ये दीदी वर्क कर रही है भाई रोड साइड में, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं। ये देखो कैसे कैसे करते है यार। कैसे निकल गए अभी डेस्टिनेशन की तरफ। मैं हिमालयन के साथ पहली राइड है भाई। 9:20 हो गया मॉर्निंग का टाइम। थोड़ा सा हिसाब में चलाना पड़ेगा क्योंकि क्या पहले दिन के लिए पहली राइड है तगड़ी वाली, और रश भी ज़्यादा है नागपुर में अभी आज। थोड़ा सा सेट होने के लिए मुझे 10 मिनट लगने वाला है बस। चलो निकल गए। ये बेटा थोड़ा सा घबराहट सी हो रही है। ये कैमरा सेट तो है बट कैसा है ना, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। ओए मेरे भाई साहब, पहला महाराष्ट्र बैंक आते हुए भाई, महाराष्ट्र बैंक की जय हो। और बर्डी और पहला सिग्नल मिलते हुए वांदा ही नहीं है। ए बेटा ऑटो वाले भाई मेरे, थोड़ा साला ग्लास खराब है उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत निकल लेते गाड़ी, फिर आगे में उन्हें क्या पहुँच लिया जाएगा। सो मॉर्निंग में अभी बजे है 9:20 और जो अपना वेदर है थोड़ा सा धूप वाला है ना। तो फिर धीरे धीरे आपको बढ़ते हैं और आगे में दिखाते हैं नज़ारे, क्योंकि अभी थोड़ा सा सेट होने दो, मुझे सेट नहीं हो पा रहा हूँ मैं। 2 मिनट पे हीरो माइल्स क्रॉस करती हुए ओए होए, संविधान स्क्वायर भी आ गया अपना, क्या ही बात है। ओए सिग्नल पे सिग्नल, धजिया उड़ा दिया सिग्नल ने आज दिमाग की। हर जगह जगह सिग्नल मिल रहा है यार, दिमाग की ऐसी तेजी हो गया, क्या ही बताएंगे साला। हर जगह सिग्नल, परेशान हो गया आदमी। अपना आरबीआई देखो, अपना तिरंगा कितना सही लहरा रहा है, एकदम ही जबरदस्त, एकदम ही जबरदस्त। और इतना चलो भाई देखते चलो, अपने को नीचे से जाने का है क्योंकि रोड अभी फ्लाईओवर शुरू होने वाला है, क्योंकि ऊपर से नहीं जाने का है, क्योंकि अपने को वे NH 44 में जाना है। NH 47 है, NH 44 निकलने का है, इसकी वजह से थोड़ा सा सिटी क्रॉस करने की है। कोई बात नहीं, सदर होते हुए निकलेंगे क्योंकि वांदा ही नहीं है सदर होते हुए जाने के लिए, क्योंकि रास्ता ट्रैफिक बहुत रहता सदर में। बट चलो चलने दो वाला हिसाब है यार, क्या ही करेंगे। थोड़ा हाईवे में लग रहे हैं अभी, हाईवे ही है ये, नेशनल हाईवे ही है, बट पर एक सिटी के अंदर से निकलता है। पर अभी किसी आगे में बढ़ रहे है कि नहीं? ए भाई कनान नदी आ गई रे बादशाह, अपनी कनान नदी। ज़्यादा पानी है, पानी है ठीक ठाक है, गाड़ी पे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रही है। यू तो क्या है ना, हीरोगिरी नहीं कर सकते ज़्यादा की। और धूप बहुत ज़्यादा प्रकोप है, धूप बहुत ही ज़्यादा है आज। टेम्परेचर कितना दिखा रहा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि भाई गाड़ी में कुछ सेट करके रखा नहीं हूँ मैंने। तो फिर बढ़ रहे फिर आगे में यार, मस्त वाले हाईवे के साथ में एक छोटी सी राइड कर रहे हैं हिमालयन, अपने हिमालयन 450 के साथ में, क्योंकि मेरी फर्स्ट राइड है ये नेशनल हाईवे पे। क्योंकि मैं जॉब की वजह से मेरा कैसा है, मैं निकल नहीं पाया और आज निकल पाया हूँ। सो फुल एंजॉय कर रहे हैं राइड के, मज़ा आता भाई ये राइड के लिए, क्योंकि मेरी फर्स्ट पावरफुल बाइक है ये 450 cc की। तो कैसा है ना भाई, मैं तो खुश हूँ बहुत ज़्यादा। गाड़ी की राइड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि भाई मैंने 450 cc कभी मैंने मेरे लाइफ में नहीं चलाया। 200 cc तक के मैं सीमित था, एक्सपल्स मेरी थी। तो अभी अपनी हिमालयन आ गई है भाई, मज़े कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर, बहुत पावरफुल है, बहुत संभाल के चला रहा हूँ मैं। कैसा है, जब तक कि अपना कम्प्लीटली हाथ नहीं बैठ जाता तब तक के कैसा ना, हीरोगिरी नहीं कर सकते अपन ज़्यादा। तो चलने दो वाली गाड़ी है अपनी, तो फिर मिलते फिर आगे में डायरेक्टली NH 44 लगने के बाद में भाई साहब, मज़ा आ जाएगा तब तो, है ना। तो
क्या कैसा चला रहा है भाई ये, इसको ड्राइविंग नहीं आ रही, लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करने को देख रहा था वो। ऐसी ड्राइवर उसे थोड़ा सावधान रहिए जो लेफ्ट हैंड साइड से ओवरटेक करते। साहब लग गए भाई NH 44 पे, क्या तगड़ा लगता है भाई, बड़े बड़े हाईवे पे लग गए ना, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला रोड है भाई, जो लग जाते हैं ना इसके ऊपर में अलग ही माहौल बन जाता है भाई साहब। बहुत ही जराब चीक, बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। ओए क्या ट्रक यार, क्या ट्रक की शुरुआत हो गई यार, और हाईवे भी देखो कितना टनाटन हाईवे। संभल के चलो, हाईवे से जब भी आप लोग निकलते हो ना तो थोड़ा सा संभल के चलो, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं वाले हाईवे से। बिजनेस हाईवे है अपनी इंडिया का ये वाला, और भाई इतना सुकून मिल रहा है हिमालयन चला के, क्या ही बताओ, बहुत सुकून, इसको बोलते सुकून, क्या ही बताओ, बड़ा अच्छा लग रहा है आज, बहुत ही ज़्यादा, इसको बोलते माहौल मचाना, बहुत, यानी कि कैसा है ना भाई, ज़्यादा सीसी में अपन अपग्रेड करते हैं ना तो अपन खुद से ही बोलते हैं नहीं भाई बहुत अच्छा कर दी अपन ने कि अपग्रेड करके गाड़ी, क्योंकि अपन एक ही एक 200 सीसी की गाड़ी चला कि उसमें पावर अपग्रेड भी नहीं हो रहा था, तो बोला नहीं यार हिमालयन ले लेने को हो रहा, क्योंकि हिमालयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी गाड़ी लेना, क्योंकि भाई अपना ड्रीम बाइक था, ड्रीम बाइक में जाना, ड्रीम बाइक तो एक दो और है, पर कैसा शुरुआत कर दी अपन ने बस, बाकी कुछ नहीं, शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान ने, तब तक आगे नहीं बढ़ता, शुरुआत हो गई नहीं एक बार तो माहौल मचाना शुरू कर देता है कोई भी लड़का रहे भाई, लड़कों को तो बाइक ही पसंद है और मज़े करते बाइक पे, खुश रहते हैं लड़के लोग, टेंशन फ्री है ना। तो भाई साहब ये रोडों के नज़ारे दिखाए जाएंगे, ट्रक दिखाए जाएंगे अच्छे अच्छे, और जंगल भी दिखाए जाएंगे, जो भी है अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाए जाएंगे, बट कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहे हो डिसाइडेड नहीं है, यानी पहले क्लियर कर दूँ, कोई डिसाइडेड नहीं कि कौन से वाले डेस्टिनेशन पे जा रहे, मुझे भी नहीं पता भाई, अपन एक राइड के लिए निकल गए, एक शानदार राइड के लिए निकल गए, क्योंकि निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो फिर मिलते फिर आगे में भाई साहब, भाई साहब जो आगे में पहाड़ी दिख रही है ना ये वाली लंबी वाली, फुल ऑन जंगल है पेंच नेशनल पार्क का। तो अपन पेंच नेशनल पार्क से होते होते अपन आगे में जा रहे और मज़े लूट रहे भाई रोडों के, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वाले जंगल में आने के लिए, क्योंकि 1 अक्टूबर को गेट ओपन हो रहे हैं अपने नेशनल पार्क के, तो पेंच नेशनल पार्क या इंडिया के कोई भी नेशनल पार्क में आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, सफारी इंजॉय कर सकते हो, अपनी फुल ऑन टाइगर्स देख सकते हो, अदर एनिमल्स देख सकते हो, या जो भी जहाँ पे स्पेशलिटी जो फेमस एनिमल्स होंगे आप देख सकोगे, जैसे कि पेंच नेशनल पार्क में भैया टाइगर है सबसे ज़्यादा, टाइगर्स यानी कि यहाँ पे दिखे जाते हैं पेंच नेशनल पार्क में, तो आप भी विजिट दे सकते हो पेंच नेशनल पार्क में, जैसे कि चारबौली गेट हो गया, सिल्लारी गेट हो गया, तुरिया गेट हो गया, हाँ कंटिन्यू कर्मझरी गेट हो गया, ये सब पेंच नेशनल पार्क के गेट है जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से है वहाँ पे, जाके मस्त विजिट यार एक बार तो विजिट देना ही मांगता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गेट है, और टाइगर तो देखेंगे इसकी गारंटी मैं देता हूँ भाई, मैं जितनी भी बार गया मुझे हर बार टाइगर दिखा हुआ है। तो फिर रोडों के भी मजे लेते हैं ऐश मारती भैया, क्योंकि बहुत रापचिक वाला और मक्खन और चिकना रोड है भाई, मज़ा ही आने वाला एकदम ये वाले रोड से गाड़ी चलाने के लिए। और मैं हिमालयन में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ यार राइड मेरी, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ कि डिफरेंट फीलिंग है भैया, 450 cc जब हाथ में बैठती है ना ये इंजन तगड़ा लगता है, तगड़ा एकदम तगड़ा। पर मैं ज़्यादा स्पीड नहीं चला रहा हूँ, 70-80 के ऊपर मैं नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा हंगार करना बोले तो डेंजरस है फिलहाल में, बाद में चलाएंगे थोड़ा सा फास्ट 100 वगैरह, पर एकदम से अभी से नहीं, क्योंकि सर्विस भी होने की बाकी है अपनी, है ना, सर्विस नहीं है कुछ नहीं है भाई, और पेट्रोल तो इसी पी रही है मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि अपने को एक्सपल्स कैसा 30-35 का एवरेज देती थी, 30 का तो देती थी, अभी इसका मैं कुछ जजमेंट नहीं दे पा रहा हूँ सही तरीके से, तो देखते अभी रोडों की मजे लो, ऐश करेंगे आगे। ट्रक तो देखो क्या लोडेड लेके जा रहे यार, इतने बड़े बड़े ट्रक क्या ही बताएंगे, बहुत ही खूबसूरत। और वेदर कैसा, थोड़ा ठंडा गर्म हो रहा है, जैसे आगे जा रहे हैं ना कभी धूप आ जाती है कभी बादल आ जाती है, तो सब कुछ ठीक है। अपना पहला टोल टैक्स क्रॉस करती हुई अपनी गाड़ी, अपनी रंगीली तो नहीं, इसका नाम क्या रखने का भाई, कोई कमेंट करके बताओ, तगड़ा वाला नाम बताओ यार कोई, है ना, तो बताओ यार, थोड़ा बहुत सपोर्ट हो जाएगा मुझे भी नाम रखने के लिए अपनी गाड़ी का, तो अपनी हिमालयन 450 का, और पहला टोल टैक्स क्रॉस करती हुई भैया ओपनिंग कर दी है अपनी गाड़ी ने, वाह क्या ही बात है भाई, मज़ा आ गया, पहला टोल टैक्स क्रॉस करती हुई अपनी हिमालयन 450 फर्स्ट टाइम, ओए होए क्या लग रहा भाई, ट्रक नहीं है आज, ट्रक एक भी नहीं दिख रहा भैया, दोनों साइड में फुल ऑन जंगल है, नज़ारा देख सकते भाई जंगल का, फुल ऑन जंगल का नज़ारा ही है, बाकी कुछ नहीं, सीधा सीधा रोड है, माहौल करते हुए ऐश करते हुए बस, क्रॉसिंग वाला रोड ही है,
ये जंगल के बीच में से हाईवे निकला है ना, 44 ने तो टाई, ये पूरा जंगल था, जंगल के बीच में से वाला हाईवे निकला ने तो नीचे से रोड था, और नीचे से रोड था जो बहुत ही ज्यादा नहरों वाला रोड था। अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रूट कर दिया ये वाला, पूरा का पूरा टाइगर्स क्रॉसिंग वाला रोड है। हर जगह बोर्ड पे बोर्ड लगे हुए है, हर जगह, क्या ही बताओ। और इतनी ज्यादा ग्रीनरी है भाई, इतनी ज्यादा ग्रीनरी, मैं क्या ही बताऊ, बहुत ही सही लगता है ये रोड पे। आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो ना NH44 से, तो ये नज़ारा आप देख पाओगे यार। और प्लीज़ यार, ये वाले रोड से आप लोग भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, जो भी ये गाड़ी है, मोपेड रहे, कोई भी रहे, मस्त विजिट यार ये वाले रोड पे। और ग्रीनरी देखो, आप खुद ही ग्रीनरी देखो, बाद में जजमेंट करना भाई, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे तो मैंने इसी रास्ते में स्पॉटेड डियर देखा हो यार, मॉर्निंग में जो 5 बजे की जब आप लोग राइड करोगे ना, तो रास्ते में आपको स्पॉटेड डियर दिख जाएंगे, डेफिनेटली सारे के सारे एनिमल्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। देखो ना यार, क्या शानदार लग रहा है, कितना शानदार है बाबा, क्या जबरदस्त, एकदम ही ज्यादा है ना भाई साहब। अपनी गाड़ी देखो कितनी शानदार खड़ी है यार। तो फाइनली यार ब्रेक लिया ढाबे पे, कैमरा ऑफ था मेरा, तो मैं डायरेक्टली गाड़ी डाल दिया ढाबे के अंदर में। तो खाना वाना यार कुछ खाते, क्योंकि 10:30 हो रहा है, तो भूख भी लग गई यार, ये पहला ब्रेक है, क्योंकि कुछ खा के मैं घर से निकला नहीं था। तो फिर खाना वाना खाते और आगे में निकलते, और अपनी गाड़ी देखो कितनी शानदार खड़ी है भाई, मज़ा आ गया पूरा का पूरा देख के, है ना, मस्त लग रही है। तो फिर खाना वाना खाते और निकलते फिर आगे में भाई, बहुत कस के भूख लग गई थी इसलिए। चलो फिर मिलते फिर आगे में भाई। चलो निकल गए, अभी हो गया खाना पीना। होए, खाना हो गया अच्छा, दाल तड़का एक नंबर बनाया था भाई, ये दाल तड़का बहुत अच्छा बना था, शिव भाजी भी बहुत अच्छी बनाता ये। होए होए चक दे, चलो हो गया भाई, अच्छा लग रहा भाई, खाना वाना हो गया। चल भाई साहब, बहुत शानदार खाना खा के आगे बढ़ रहे, और धूप इतनी ज्यादा चिलचिलाती हुई है, क्या ही बताएंगे यार भाई, बहुत ही कड़ा चिलचिलाती हुई धूप है। खाना खाते खाते ही मुझे पसीना आ गया था, बहुत खतरनाक वाला, कब क्या ही बोलेंगे भाई, कोई वंदा नहीं है, कुछ नहीं भाई, आगे बढ़ रहे, बस मस्त लग रहा है मौसम, और जंगल के बीच में से गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा है। और मैं बोल रहा हूँ कि भैया, हिमालयन जो है बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करी, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तभी मैं मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अरे मुझे तो मज़ा आ रहा भाई। एवरेज का तो मुझे नहीं मालूम, मुझे तो कुछ समझता नहीं, मीटर का भी नहीं मालूम कैसा क्या सेट करना क्या करना, मैं तो सिर्फ चला रहा हूँ, पर धीरे धीरे अपन सब सीख लेंगे धीरे धीरे। तो मज़ा आ रहा है भाई हिमालयन चला के, मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं चला रहा, 80 के ऊपर मैं ज़्यादा लेके नहीं गया, क्योंकि क्या फर्स्ट सर्विसिंग होनी के क्यों ज़्यादा का उतमाच करने का फालतू का। बढ़िया चला रहे है गाड़ी, मज़े कर रहे भाई साहब, मज़ा आ रहा है भाई, मिलते फिर आगे में आपको। भाई साहब अपनी देखो भैया, हिमालयन 450 क्या लग रही है शानदार। तो भाई एक जगह रुके यार, चाय पी लेते बोला, क्योंकि कंटिन्यू अभी 56 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी चला ली है, तो चाय वाय पीते, क्योंकि यहाँ पे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। मटरी भी खाने के लिए मटरी भी खाएंगे, समोसा खाना है तो समोसा भी खाएंगे, खाना तो वैसा हो गया, पर क्या करेंगे भाई साहब, मिल गए अपने, यही क्यों आप यही के मिल गए भाई, अभी सब्सक्राइबर भाई है अपने, सब्सक्राइब करवाए चैनल को मैंने, तो फिर चाय वाय पीते समोसा खाते भाई। और हाईवेज में खाते हो यार घूमने के लिए, तो खाते पीते रहो यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इसके बाद में मैं हिमालयन की एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, इतनी मक्खन चल रही है गाड़ी, टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री चला रहा हूँ मैं, एटलीस्ट मज़ा तो आ रहा है भाई, 450 सीसी चला के मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई हिमालयन चला के। तो चाय वाय पीते फिर मिलते डायरेक्टली रोड पे, चलो फिर। भाई साहब अपना समोसा कढ़ी आ गया, उसके ऊपर यह प्याज भी डाला है, सेव भी डाला हुआ है, तो भाई खाते इंजॉय करते भैया, खाते पीते रहो हाईवे में आते हो तो, और मिलते फिर आगे में, चलो। चाय पानी हो गया एक नंबर, अभी निकल रहे आगे। निकल गए भाई आगे में, टेंशन फ्री हो गया एक नंबर लग रहा है, जो चाय पिलाता नहीं भाई, एक नंबर चाय बनाता है भाई। तो समोसा तो छोड़ ही दो, समोसा कड़ी और चना उसमें मिक्स और चिवड़ा प्याज व्याज डाल के एक नंबर बनाता भाई, मजा ही आ जाता है। तो फिर बढ़ रहे यार आगे, और सीधा सीधा शिवनी दिखा रहा है 6
बालाघाट दिखा रहा 97, मंडला दिखा रहा 129 और जबलपुर दिखा रहा 139। जबलपुर तो नहीं जा रहे भाई, पर ये राइड जो है ना बड़ी शानदार है, यानी दिल खुश वाली राइड है, यानी दिल खुश है ना, दिल खुश वाली। भैया अपन पावरफुल इंजन चला रहे भैया, अपने लिए तो पावरफुल है भाई, अपने पास में जो चीज़ है उसी में अपन बहुत खुश है भाई, क्योंकि जो चीज़ अपने पास में उसी में खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी जाके फिर तरक्की करता है आदमी, और उससे भी बड़ी 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 गाड़ियाँ लेता है भाई। मज़े करते हैं, ऐश करते हैं और आगे में निकलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जम्मू कश्मीर वाला रोड है भाई, सीधा सीधा चाहो तो उधर भी निकल सकते, पर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत अच्छे अच्छे टूर्स है भाई लाइफ के, मज़ा आने वाला है अलग। नेक्स्ट जो जितने भी वीडियोज़ आने वाले बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ है, मज़ा आने वाला है आगे में देखने के लिए। चलो फिर ग्रीनरी देखते हुए आगे बढ़ते हैं और नज़ारे भी दिखाते हैं, प्यारे प्यारे सोने सोने प्यारे प्यारे नज़ारे, इसके अलावा कुछ नहीं भाई साहब। पूरा साला उजड़ा हुआ है पेट्रोल पंप है, तो पूरा उजड़ा हुआ है, ये तो पूरा उजड़ा हुआ पेट्रोल पंप है। चलो पेट्रोल डालते आगे मिलते भाई। यही क्या रहने वाले हो क्या? यही क्या ना, और अपना चैनल है निखिल द टाइगर सर। पेट्रोल वेट्रोल डालना हो गया अपना, निकल गया अभी, पेट्रोल डाल दिया, सब डाल दिया अभी, अरे पेट्रोल बहुत है अभी, हिसाब में निकलो अभी, हिसाब में निकलना पड़ेगा क्योंकि ये रोड ही नहीं है उससे जाने के लिए। HP पेट्रोल पंप का पता नहीं, पूरा भी नहीं था, छपरा वपरा कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ रहे अभी, बताते हैं गर्मी के नज़ारे और बहुत ही शानदार, और आगे में पहाड़ियाँ दिखना शुरू होगी ये शानदार वाली, तो अलग ही मजा है भाई शानदार नज़ारे के साथ में, क्या ही बोलेंगे, बहुत अच्छा लगता भाई जब शानदार नज़ारे दिखते हैं ना आगे में, तो अलग ही कुछ। और ये लेक भी देखो बहुत ही शानदार है वाली, लेफ्ट हैंड साइड की जो छोटी लेक है ना, बहुत से लोग आते इधर में भाई, जो तूफानी जैसी गाड़ी चलाते हैं इनसे दूर चलाओ, जो फालतू के आगे ना के हॉर्न बजाते पीछे से डिस्टर्ब करते, इनसे दूरी चलाओ यार, दूरी बनाए रखो इसी लोगों से। होए होए वर्कर देखो क्या काम कर रहे यार इतनी धूप में, कड़ी मेहनत करते अपने इधर के वर्कर भाई लोग, वर्कर बहन लोग, बहुत ही खतरनाक, एकदम मस्त दिख रहे। कैसा दिया, क्या बोले? 100 रुपए की भाई, 20 रुपए के सीताफल खरीद लिए है ना, 20 रुपए के अजी, 20 रुपए के सीताफल खरीद लिए हमने, है ना? और जाम जाम भी खिला देने भाई, सीताफल का देखो कितना अच्छा दिख रहा है रखा हुआ। ये दीदी वर्क कर रही है भाई रोड साइड में, है कि नहीं? तो भाई सीताफल खरीदे यार, क्योंकि हमारे MP में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन रहता है सीताफल का, तो बोला चलो कुछ सीताफल खरीद के अपन नागपुर में लेके जाए, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है सीताफल, तो फिर सीताफल लिए और जाम भी खा लेंगे एक आधी, क्योंकि जाम का भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो एक आधी जाम वाम खा लेंगे और फिर बढ़ेंगे फिर नागपुर के तरफ में, क्योंकि अभी आज तक की राइड रहेंगी। और अपनी जो रॉयल इनफील्ड है यार, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है हाईवे में, क्योंकि मुझे टेस्ट ड्राइव लेना था, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी 450 cc चलाया नहीं, 200 cc तक के मैं सीमित था, तो अभी कैसा है ना भाई इसको चला के, रॉयल इनफील्ड 450 हिमालयन को चला के जो मज़ा आ रहा है ना भाई, इतना तगड़ा मज़ा आ रहा है, यानी कि हमारा नेशनल हाईवे पे टेस्ट ड्राइव हो गया, बहुत तरीके से तगड़े तरीके से टेस्ट ड्राइव हो गया। अभी यहाँ से आगे से पलटेंगे डायरेक्ट नागपुर के लिए, क्योंकि शाम को एक फंक्शन है वहाँ पे भी जाने का है, और इसके बाद में भाई साहब मज़ा आने वाला है ड्राइविंग में। एवरेज भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है एवरेज का, तो एवरेज तो अभी काउंटिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट सर्विसिंग के बाद में आपको बताएंगे। तो फिर सीताफल वगैरह लेंगे, एक आधी पेरू खाएंगे और फिर बढ़ेंगे नागपुर की तरफ में। चलो फिर नागपुर के तरफ में बढ़ रहे अभी, क्योंकि आगे से कट है तो निकल लेते नागपुर के लिए। हो बस भाई निकल गए अभी। ए भाई निकल गए, चलो शानदार रोड, काफी देर के बाद में घाटिया वाला मस्त लग रहा भाई, कंटिन्यू चक्कर घूम रहे हैं, आड़ी मोड़ी वाला रोड जबरदस्त लग रहा भाई। ओए होए रोड भी थोड़ा क्रैक हो गया यार, मालूम नहीं ऐसे कैसे क्रैक हो रहे, तो ये ठेकेदार ने काम अच्छा नहीं किया क्या मालूम नहीं, रोड क्रैक हो रहे यहाँ पे। ओए भाई गर्मी भी बहुत है और शानदार मजा भी आ रही है यार गाड़ी चलाने के लिए, काफी लोग ट्रैवलिंग के लिए निकले आज, घूमने के लिए निकले, कुछ अलग ही टेंशन है आज लोगों में, बहुत ज़्यादा जोश देख रहा हूँ यार, काफ़ी लोग घूमने के लिए निकले हुए हैं और मज़े कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं भाई, हम भी इन्जॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इन्जॉय करो यार घर में बैठ के, और घर में बैठ के क्या करोगे यार, बाहर निकलो मौज करो ऐश करो यार, क्या ही रखा है लाइफ में, मज़े करो, पैसा तो कमाओ यार, पैसे के बिना तो कुछ नहीं है,
क्योंकि पैसा कमाओगे तो ही आप लोग सब कुछ कर पाओगे। बस पैसा कमाओ, ऐश करो वाला काम है अपना वाला। अपने भी घूम रहे, आगे में बढ़ रहे, एक गांव लगा, एक छोटा सा कस्बा लगा है, वहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, कहीं पे रुक के चाय वाय पिया जाएगा, क्योंकि चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलते डायरेक्टली चाय की टपरी में। आ गई चाय की टपरी। आ गई भाई चाय की टपरी अपनी, हर बार यही रुकते अपन। चलो रुकते अभी चाय वाय पीते, हर बार यही रुकते अपन भाईजान की। इधर भी हम एक शॉप पे रुके हैं जहाँ पे चाय वाय पीते हैं, हम हर बार यहीं पे रुकते हैं, तो यहाँ पे चाय पीएंगे, टोस्ट खाएंगे। हमका यहाँ का टोस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जो NH 44 पे जो मैं राइड कर रहा हूँ यार, ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, इतना बेहतरीन है कि कन्याकुमारी टू जम्मू कश्मीर वाला रोड है यार ये। और ये रोड पे हिमालयन 450 चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। कोई टेंशन नहीं, कोई इशू नहीं। एवरेज का मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एवरेज शायद 20-25 का देरी होगी, तो मुझे सब मीटर वीटर का सब कुछ सीखना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा। क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है जो नेशनल हाईवे 44 पे मैं अपनी गाड़ी लेके आया हूँ यार हिमालयन। तो राइडिंग का भी बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। गर्मी है पर जब बैठते हैं तभी गर्मी लगती है, जब गाड़ी चलाते हैं तो गर्मी नहीं लगती है। और परफॉर्मेंस परफेक्ट है, और इसके बाद में बहुत अच्छी अच्छी राइड रहने वाली है, नेक्स्ट राइड जो भी रहने वाली है बहुत अच्छी रहने वाली, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार, क्योंकि ऑफिसेज वगैरह रहता है तो इसकी वजह से कैसा है ना, टाइम नहीं मिल पाता है। जैसा भी टाइम मिलेगा वैसे वैसे अपन बहुत अच्छे राइड मारेंगे, बहुत लंबे लंबे राइड मारेंगे यार। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा भाई तो सब्सक्राइब कर लो यार, सपोर्ट मांगता है आप लोगों का। अभी हिमालयन ले लिए, एक्सपल से हिमालयन अपग्रेड किए, और हिमालयन में पावरफुल बाइक है यार, मजा आ रहा है भाई। अपने तो ऑफर्ड में बैठ गई, अपन ने ले ली है वो गाड़ी और फुल इंजॉय करेंगे। आप कहाँ से, कहा बेंगलोर से, कहाँ से निकले? कासगंज से, यूपी से निकले हो? यूपी से निकले भाई तो बेंगलोर तक ना, बेंगलोर तक वो भी भाई साहब। ये गाड़ी खड़ी है स्प्लेंडर, ये तीन गाड़ी है, ये स्प्लेंडर से जा रही है भाई, मजाक बात नहीं है, ये तो खतरनाक राइडर है भाई साहब। सल्यूट है आप लोगों का, सल्यूट है यार मेरे भाई। आपका शुभ नाम बता दो यार, लोगों को तो पता चले यार। विशाल भाई साहब, ग्रैंड सल्यूट है मेरा, तो मेरे तरफ से ग्रैंड सल्यूट है भाई। भाई इतनी लंबी सफर कर रहे हो भी स्प्लेंडर से कर रहे हो लोग, और यूपी से निकले और बेंगलोर जा रहे हैं, और सामान भी देखो कितना रफ एंड टफ लोड है इनके गाड़ी में, देखो कितना ज्यादा रफ एंड टफ लोड है ना। और इनके साथ में चार गाड़ियां है बोलते भाई, मजाक बात नहीं है, सल्यूट है इनको, सल्यूट है भाई, सल्यूट है ना। चलो फिर मिलते हैं, ऐसे लोगों से हमको मोटिवेशन मिलता है जो स्प्लेंडर से इंडिया घूमते हैं यार। हमारे पास में तो बड़ी बाइक है, तो हम क्या है ना कि स्प्लेंडर वाले डरते नहीं है तो हम क्या डरेंगे यार, है कि नहीं? बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है स्प्लेंडर वाले भाइयों को देख के। चलो फिर मिलते आगे में, थैंक यू मेरे भाई। चलो भाई चलो मिलते हैं, चलो भैया। चलो चलो मिलते भाई, चाय वाय पीना हो गया। ओ भाई यूपी वाले बेंगलोर जा रहे हैं, निकल के अभी शानदार तरीके से। क्यों कर रहा है पर, मस्ती कर रहा है हाईवे पे, हाईवे पे मस्ती कर रहा है क्या? हाँ रुका, इधर साइड में रुका, हाईवे पे मस्ती क्यों कर रहे तुम दोनों? हाँ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मस्ती लग रही है क्या तुम लोगों को? मजाक लग रही, बिना हेलमेट के चल रहे हो, पुलिस वाले को दे दूंगा तुम्हारा तो चालान बढ़ जाएगा तुम्हारे पे। बिना हेलमेट के तुम लोग घूम रहे हो और गाड़ी आड़ी टेढ़ी चला रहे हो तुम लोग। हाँ तुम्हारी दू क्या पुलिस में कंप्लेंट दू दोनों की? हाँ नंबर भी आ गया मेरे कैमरे में, दे दू क्या कंप्लेंट बताओ? नहीं सर, आड़ी तेरी नहीं आने, मैं देखने वाला पगला हूँ और रिकॉर्डिंग में आ रहे हम लोग पगले है, और तू ही हुशार है ना, ऐसी मत चलाओ, हेलमेट पहनो। हाँ तुम्हारे भलाई के लिए बता रहे है, प्लीज हेलमेट पहन के चलाओ और आड़ी तेढ़ी मत चलाओ। तुम्हारे माँ बाप घर पे राह देख रहे तुम लोगों की, बराबर है? भाई बहन है सभी जन राह देख रहे आप लोगों की। खुद भी अच्छे से गाड़ी चलाओ, दूसरों को भी चलाने दो भाई। मेरे आगे से आड़े तेड़े चला के कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? आराम से जाओ। हाँ भाई के नाते बता रहा हूँ, ठीक है? आराम से जाओ। हाँ जाओ, कहाँ पे रहते आप लोग? हाँ अभी कहाँ जा रहे हो? नागपुर में कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं मानेवाड़ा। मानेवाड़ा में काय का मट्टी कोटे का काय का काम कर रहे हो? टाइल्स का ना। अच्छे से जाओ, नागपुर में हेलमेट पहने बिना जाना नहीं, चालान मारेंगे, ठीक है? हाँ गाड़ी का नंबर आ गया है मेरे पास में भाई, गाड़ी का नंबर MP22M4850, ठीक है? आराम से जाना।
भाई मस्ती करके गाड़ी चला रहे थे आगे पीछे नहीं क्या, और ऐसी कर रहा मुझे जाने के लिए, आगे मैं यू कर रहा था, कैमरा बंद था, फिर कैमरा शुरू किया मैंने तुरंत, बहुत मस्ती कर रहे थे दोनों जन। और नागपुर में आ रहे भाई, एमपी के गांव के यानी बहुत रूलर के वो लोग नागपुर सिटी में आ रहे हैं, ये वहाँ पे मत करो बोलना, ये लड़के बड़े खतरनाक है नागपुर के, भगवान जाने क्या कर देंगे। तो अभी मैं कुछ बोला नहीं, प्यार मोहब्बत से लिया, पर छोड़ो होता कुछ नहीं करने का, भैया तुरिया गेट आ गया, ये अपना नाका भी आ गया है, नाका आ गया अपना एकदम बढ़िया वाला, बहुत मजेदार नाका आ गया। अभी निकल रहे अभी नाके से, क्योंकि यार वे भाई आराम आराम से निकलना ही बेस्ट है, सही के नहीं। चलो फिर नाका क्रॉस कर लिए, महाराष्ट्र में आ गए अभी हम, तो फिर मिलते हैं डायरेक्टली सिटी के अंदर में, अभी हाईवे क्या दिखाएंगे है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना जो आड़ी तीढ़ी गाड़ी चलाते हैं, आपके गाड़ी के आगे आने के बाद में आड़ी तीढ़ी चलाते हैं, इनसे बच के गाड़ी चलाओ, और उनको थोड़ा सा समझाओ अच्छे से कि बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ इससे। चलो फिर मिलते हैं आगे में। भाई लोग जा रहे अपने यूपी वाले भाई जा रहे हैं, देखो स्टाइल देखो भाई की स्टाइल देखो, बैठने की स्टाइल देखो, बिना हेलमेट का ही भी, ये भी बिना हेलमेट का चल रहा है। इनको भी बता के परेशान होगा कि हेलमेट पहनो, ये भी भाई हेलमेट पहनने को रेडी नहीं है, हेलमेट भी नहीं पहन रहा, वो कुछ नहीं कर रहा है, कितना लफड़ा है, हेलमेट तो पहन हेलमेट, फिर हेलमेट भी नहीं पहन रहा है वो। चलो फिर बढ़ते आगे में, भाइयों को तो बोल दिया हेलमेट पहनने के लिए। भाई बड़े खतरनाक गाड़ी चला रहे अभी, नागपुर के पास में आ गए अभी अपन, यहाँ पे बड़े ही खतरनाक गाड़ी चला रहे, मैं क्या ही बताओ, इसलिए मैंने कैमरा ऑन किया। ए बेटा बड़ा डर सा लगता है ऐसे लोगों को देख के, ये ट्रैफिक भी मिल गया भाई, नागपुर क्या 15 किलोमीटर अपना घर यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, और अभी जल्दी जल्दी पहुँच जाए अपन, बाकी कुछ नहीं। नागपुर का सिग्नल मिलते हुए अभी बड़ा टाइम लगता है ये सिग्नल को, मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही ज़्यादा टाइम, क्या ही करेंगे यार, ये टाइम बहुत लगेगा, देखते हैं अभी। ये भैया ट्रैवल से देखो ट्रैफिक बड़ा अलग ही है यहाँ का माहौल है ना। मैं नागपुर हाँ, मैं जबलपुर गया था, हाँ मेरे से पैसे लो, अभी चेंज नहीं है ना, अगली बार आऊंगा तो दूंगा, मैं पक्का दूंगा। कैमरा तो दिख रही है क्या, दिख रही है, दिखेंगी हाँ दिख रही है ना, तो दिख रही है रे बाबा, है ना, क्या नाम है वो, मार मत बाबा ग्लास फूट जाएगा वो, दिख रही है देता ना मैं अगली बार आऊंगा दूंगा, अभी चिल्लर नहीं है। अरे नहीं वहाँ पे नहीं हाथ लगाना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, मिलते फिर आगे में। चलो नाम बोल दो यार, अच्छा बिल्कुल आओ, बिल्कुल चलो। भाई लोग है अपने नागपुर के, भाई लोग है सारे के सारे नागपुर के बंदे जो है अपने, बड़े टेंशन में रहते हैं पता, पूरा सोना वोना इनके भाई लोग माहौल है भाई लोगों का, ऐसे ही रहने को ना टेंशन में, भाई खुद की मेहनत है भाई लोगों की, ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे सारे के सारे बंदे लोग, ठीक है ना। तो फिर मिलते फिर आगे में, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। चला रहा है गाड़ी ये लड़के, देखो ये देखो कैसे चला रहे गाड़ी, मेरे आगे में यूं नच रहे थे, अभी आगे में जान ही नहीं दे रही है एक्चुअली में, देखो आगे में जान ही नहीं दे रहे, देखो कैसे कर रहे हैं, ये देखो कैसे करते हैं यार, कैसे बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे यार, पुलिस वालों कोई ऑब्जेक्शन उठाओ इसी लोगों पे यार, बिना हेलमेट की गाड़ी चला रहे यार ये लोग, बिना फुकट का यार, टेंशन ही टेंशन हर जगह में यार। ये सिग्नल मिल गया होता ना बड़ा जबरदस्त हो गया होता, क्योंकि ये सिग्नल मिल गया दिमाग खराब हो गया। भाई गाय का प्रोटेस्ट शुरू है यार, शोर इन द सिटी,
जाएगा तो अपन इधर से जाएंगे। बड़ा ही रश और सिग्नल लग गया अपना भाई, बड़ा रश है यार, बहुत ही ज़्यादा रश। ये ऑटो वाला क्या कर रहा है भाई मेरे। ये देखो, वाह दीदी वाह 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 दीदी, रॉन्ग साइड आ गई यार। ये इसी भाई लोगों की वजह से तो एक्सीडेंट्स होते हैं और नाम लड़कों पे आते हैं। लड़कियों को तो वैसे भी कुछ करते नहीं पुलिस वाले भाई, लड़कों कुछ करते। ये टेंशन है बड़ा, लड़कियां गलती कितनी भी करेंगी तभी भी लड़कों को ही नाम आएगा, लड़कों पे ही नाम आएगा। ये देखो वाह वाह भाई साहब, घर आ गया अपना भाई। सब्सक्राइब कर देना चैनल, बड़ी मेहरबानी होगी, सपोर्ट करना चैनल को, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी राइड रही भाई, बस राइड लेना था। नेक्स्ट टूर बहुत लंबे लंबे रहने वाले, अच्छे खासे प्लानिंग शुरू है, जल्द से जल्द प्लान हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चलो घर पे जाते, व्लॉग एंड यहीं पे करेंगे, नहीं तो घर पे जाके करेंगे, दोनों में से है ना। चलो फिर।